गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम ईवीएस का, जैसे लास्ट टाइम हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, क्रीपी क्रॉलिंग, तो हमने क्रॉलिंग एनिमल्स वॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्ट्स। द क्रिएचर्स विच हैव 6 लेग्स आर कॉल्ड, जिनकी 6 टांगे होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ, और जो इंसेक्ट की बॉडी होती है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग्स, एग से निकलते हैं वो अंडों से। दे यूजली हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, पंख होते हैं उनके, एंड अ पेयर ऑफ एंटीना। एंटीना मतलब जो ये इनके ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये होते हैं इनके एंटीना, ये जिनसे ये डंक मारते हैं, जो उनकी कैसे हेल्प करता है, उनकी स्मेल में, किसी चीज़ को फील करने में, टेस्ट करने में। जैसे हम नोज से, आई से, ठीक है, स्किन से फील करते हैं ना, ऐसे टेस्ट हम कैसे करते हैं, टंग से। तो वो अपने कैसे टेस्ट, फील, स्मेल कैसे कैसे करते हैं, एंटीना से। सम ऑफ इंसेक्ट कैन फ्लाई, और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो उड़ सकते हैं। अब फ्लाइंग इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फ्लाइंग इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं, हाउस फ्लाइज हैव हेयरी लेग्स, जो हाउस फ्लाई मक्खियाँ होती हैं उनकी जो लेग्स होती हैं हेयरी होती है, मतलब बालों से भरी होती है। इट फीड ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स फूड एंड वेस्ट मटेरियल, क्या खाती है वो, वेस्ट मटेरियल खाती हैं। दे पिक अप जर्म्स ऑन देयर हेयरी लेग्स, अपनी हेयरी लेग्स से वो जर्म्स को पिक करती हैं, और जहाँ पे ये बैठती हैं वहाँ पे क्या फैला देती है, गंदगी ही गंदगी फैला देती है। देन दे सिट ऑन फूड, और वो जब फूड पर बैठती हैं और अगर हम उस फूड को खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। आगे देखो, हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट, हनी बीज होते जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो सोशल इंसेक्ट होती हैं। दे मेक हाइव्स इन विच दे कलेक्ट नेक्टर, वो क्या बनाती है, हाइव्स बनाती हैं जिनमें वो क्या कलेक्ट करती हैं, नेक्टर एंड मेक हनी, और वहाँ पे क्या बनाएंगी, अपना शहद बनाएंगी। बीज लिव इन अ कॉलोनीज, और जो बीज होती है वो लीव करती है कॉलोनीज में। देर इज ओनली वन क्वीन, और उसमें एक बी ऐसी होती है जो कॉलोनी में क्या रहेगी, वो क्वीन रहेगी, रानी बनकर रहेगी, और वो क्या करेगी, वो अंडे देगी। और जो बाकी बीज होती हैं कॉलोनी में वो क्या होंगी, वर्कर बीज, यानी कि काम करने वाली होंगी। मॉस्किटो इज अ स्मॉल इंसेक्ट, मॉस्किटो यानी कि मच्छर, छोटा कीड़ा है। इट ब्रीड्स इन स्टैंडिंग, और ये कहाँ पैदा होता है, मतलब जैसे पानी खड़ा, नालियों में, गंदगी की जगह पे ये क्या होता है, पैदा होता है। इट कैरीज जर्म्स एंड कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, ये क्या करता है, अपने साथ क्या लेके आता है, जर्म्स और डिजीज, जैसे मलेरिया, डेंगू वगैरह, ये सब इससे फैलते हैं। आगे देखिए, क्रीपी एंड क्रॉली इंसेक्ट, अब रेंगने वाले कौन से इंसेक्ट होते हैं। कॉकरोच इज एन ओवल शेप इंसेक्ट, कॉकरोच क्या होता है, ओवल शेप का इंसेक्ट होता है, जैसे ये रहा। कॉकरोच मे बी विंग्ड, इसके पंख भी हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। इवन विंग्ड कॉकरोचेस डू नॉट ऑलवेज फ्लाई, और जो जिसके पंख होते हैं कॉकरोच के वो फ्लाई नहीं कर सकते, यानी कि उड़ नहीं सकता। दे आर नॉक्टर्नल एंड सेंसिटिव टू लाइट, क्या कर सकते हैं, वो लाइट को देख सकते हैं। आंट्स ऑल्सो आर सोशल इंसेक्ट, आंट भी क्या है, सोशल इंसेक्ट है। दे लिव इन कॉलोनीज, वो भी कॉलोनीज में रहती है, मतलब हजारों चींटियों के साथ रहती है वो। दे हैव विंग्स दैन दे आर बॉर्न, लेकिन जब वो पैदा होती हैं उनकी विंग्स होती हैं, लेकिन जब वो उगना, मतलब ग्रोथ अपनी जब लेती हैं तो वो क्या कर देती हैं, उन पंख्स को शेड कर देती हैं, यानी कि गिरा देती हैं। मोस्ट आंट्स ईट एवरीथिंग, लेकिन ऐसी अधिकतर चींटियाँ होती हैं जो सब कुछ खाती है। सम इवन ईट मीट, अदर्स सच एज द ब्लैक आंट ईट ओनली फ्रूट्स एंड ग्रास, कुछ आंट ऐसी होती है जो मीट खाती है, लेकिन कुछ जो ब्लैक काली वाली चींटी होती है वो क्या खाती है, सिर्फ फ्रूट एंड ग्रास खाती है। टर्माइट्स टू आर सोशल इंसेक्ट, दे टू लिव इन ऑर्गेनाइज ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज, दे मेनली फाउंड इन होट कंट्रीज, कैसे पाए जा, कहाँ पे पाए जाते हैं, होट कंट्रीज में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये किसको, किस चीज़ को डैमेज करते हैं, जैसे ये वुड को खाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स में क्या कर देते हैं, ये बिल्डिंग्स को खाते हैं, ट्रीज को खाते हैं। फिर है स्पाइडर, स्पाइडर क्या होता है, स्पाइडर इज नॉट अ इंसेक्ट, ये इंसेक्ट नहीं है, इसकी 8 लेग्स होती हैं और 8 इसकी आइज होती हैं। और ये क्या खाता है, इट फीड्स ऑन इंसेक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू किल अ स्पाइडर। इट प्रोड्यूसेस स्टिकी थ्रेड, जिसको बोलते हैं स्टिकी थ्रेड, विद दिस थ्रेड द स्पाइडर मेक्स अ वेब, और इससे क्या बनाता है, ये जाल बनाता है एंड ट्रैप्स इंसेक्ट फॉर इट्स फूड, और अपने फूड के लिए फूड जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, तो अपने जाल में फंसा लेता है। बाइट्स, रैशेज एंड डिजीज, इनसे हमें काटने से क्या रैशेज हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। सम ऑफ द इंसेक्ट कैन बाइट अस, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमें बाइट करते हैं। बीज विल स्टम, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं,
डंक मारती है अगर हम उन्हें छेड़ते हैं। ए बी स्टिंग कॉजेज सैडनेस, और जब ये मधुमक्खी काटती है तो उससे क्या हो जाती है, उदासी आ जाती है हमारे चेहरे पर और इरिटेशन यानी कि खुजली होने लग जाती है। हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीज, और जो मक्खियाँ होती हैं वो डिजीज फैलाती हैं लाइक टाइफाइड, डिजेंट्री, डायरिया। वी मस्ट कीप आवर हाउसेज एंड देयर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने घर को साफ और स्वच्छ बना के रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट अनकवर्ड, और हमें बिना ढका हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए। सम क्रिएचर्स कैन कोज रैशेज ऑन द स्किन, लेकिन कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो हमारे स्किन पर क्या करते हैं, रैशेज कर सकते हैं। अ हेयरी कैटरपिलर इज वन सच एग्जाम्पल, जो हेयरी कैटरपिलर होता है इसका एक अच्छा उदाहरण है। इट हैज़ फाइन हेयर ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं। इफ़ यू ब्रश अगेंस्ट इट और इफ वी इट हैपन्स टू, अगर वो हमारे ऊपर रेंगता है, इट रैशेज हो जाते हैं हमारे स्किन पर। सम स्पाइडर्स एंड बीटल्स ऑल्सो कॉजेज रैशेज। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, स्नेक्स की क्या नहीं होती, लेग्स नहीं होती। फिर है स्नेल्स डू नॉट डू, स्नेल्स हैव टू, स्नेल्स के क्या होते हैं, टू टेंटिकल्स, क्या होते हैं, टेंटिकल्स। नेक्स्ट है हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ओके। फिर नेक्स्ट है अ डैश इज नॉट एन इंसेक्ट, कौन इंसेक्ट नहीं है, स्पाइडर। क्रोकोडाइल रिमेन्स इन वाटर। अब है मैच द फॉलोइंग, तो मधुमक्खी क्या करती है, शहद बनाती है, स्पाइडर क्या बनाता है, जाल बनाता है, और कछुआ कहाँ रहता है, सी में। अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट। तो आज की हमारी होमवर्क शीट नंबर 69 है, सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस, डे है थर्सडे, क्लास थर्ड के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वर्ड मीनिंग, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े, एब्डोमन, पेट, जर्म्स, कीटाणु, गार्बेज, कचरा, ले, अंडे देना, ब्रीड, पैदा होना। तो ऐसे ही आपको ये वर्ड मीनिंग लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द स्लोवेस्ट क्रॉलिंग एनिमल, सबसे धीरे चलने वाला क्रॉलिंग एनिमल कौन सा है, स्नेल, कौन सा है, स्नेल है। व्हाई द अर्थवर्म इज यूजफुल फॉर फार्मर्स, जो अर्थवर्म होता है फार्मर्स के लिए यूजफुल क्यों होता है, लाभदायक क्यों होता है, बिकॉज दे इंडिकेट द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, क्योंकि वो जिस भी मिट्टी में रहेंगे वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो फार्मर्स के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। इसीलिए जो अर्थवर्म होते हैं वो फार्मर्स के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट, नेम द टू डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, टू डिजीज बतानी है जो मॉस्किटो से फैलती हैं, कौन कौन सी है, मलेरिया, डेंगू एंड येलो फीवर, ठीक है, जिसको हम पीला बुखार या पीलिया बोलते हैं। व्हाट आर इंसेक्ट्स, राइट देयर स्ट्रक्चर, इंसेक्ट क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर लिखना, कैसे होते हैं। द क्रिएचर विच हैव सिक्स लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट, जिनकी छह टांगे होती है वो क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। और इनके पास क्या क्या होता है, हेड होता है, और क्या होता है, थोरैक्स होता है, और इनके पास क्या होता है, एब्डोमन यानी कि इनका पेट होता है, ओके। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखो, व्हाई लीच इज कॉल्ड ब्लड सकिंग एनिमल, जो लीच होती है, जोक होती है, वो ब्लड सकिंग एनिमल क्यों कहलाती है, बिकॉज इट सक्स ब्लड ऑफ प्रे, जो नेक्स्ट जो उसका प्रे होता है, शिकार होता है, उसका जो क्या कर लेती है, ब्लड सक कर लेती है, इसलिए वो क्या बोलते हैं उन्हें, ब्लड सकिंग एनिमल। टेक द करेक्ट चॉइस, एंट स्पाइडर आर ऑल्सो कॉल्ड सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट कौन सा होता है, एंट। क्वीन बी इज द मदर या फादर ऑफ ऑल बीज इन अ हनीकॉम्ब, क्या होती है, वो मदर होती है। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट खुद करने हैं, ओके स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।